क्या मुद्दे हैं यहाँ के? हम तो बीजेपी के कट्टरवाद हैं और हमारा क्षेत्र भी बीजेपी का ही है। मुद्दे मैं पूछ रहा हूँ, मैं मुद्दे पूछ रहा हूँ। जैसे 370 धारा खत्म करी है मोदी जी ने, जी जी, उसके बाद में सर्कल स्टाइल करी है उन्होंने। क्या की? सर्कल स्टाइल करी है उन्होंने। क्या की? सर्कल स्टाइल करी है उन्होंने, जो आतंकवादी द्वारा जो उनका अभियान चल रहा है। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक। कम से कम हम ये दिखाई दे रहा है कश्मीर राज हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा। पहले नहीं था? पहले था, लेकिन उसमें काबिज पूरी तरीके से वो नहीं था। मुद्दे से हमें क्या लेना देना ये बता। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। महंगाई तो जब बढ़ रही है, अपने आप ही बढ़ रही है, तो क्या करा जाएगा? आपके लिए महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? महंगाई कोई खास नहीं है। पहले हम 25 रुपये महीना कमाते थे, आज हम 25,000 कमा रहे हैं, तब भी हम उतना ही खर्चा चल रहा है हमारा। अच्छा, महंगाई से कोई लेना देना नहीं है आपको? महंगाई से फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा? महंगाई कमर तोड़ हो रही है, सरकार इस पर रोक नहीं लगा सकती। सरकार रोक लगा सकती है, क्यों नहीं लगा सकती? क्यों नहीं लगा रही? मैं ये मुद्दे जानना, ये तो सरकार जाने क्यों नहीं लगा रही है। आप सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे? नहीं, ये हम नहीं बता सकते। नहीं, सरकार से सवाल तो बनता है ना, सरकार से सवाल पूछने का, कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है, ये सरकार जाने। इस वास्ते हमें तो हम लगातार उत्तर प्रदेश के गांव, देहात, शहर, कस्बे सब जगह घूम रहे हैं। चुनाव को लेकर यहां पर क्या माहौल है, ये हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे तपिश चुनावों की, राजनीति की बढ़ रही है, वो तपिश, वो गर्मी हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसी सिलसिले में आज हम मुरादाबाद ज़िले में हैं। मुरादाबाद ज़िले के कई गाँव का हमने दौरा किया है, लोगों से बातचीत हम करते हुए गुजर रहे हैं। यहीं से हम गुजर रहे थे तो यहाँ ये ऊंचा गांव है, यहाँ पर हमें कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए दिखे, हमने सोचा उनसे बातचीत करें। क्या क्या नाम है इस गांव का? ऊंचा गांव रुस्तमपुर बड़मार। ऊंचा गांव रुस्तमपुर बड़मार जी, क्या नाम आपका क्या है? मेरा नाम राजपाल सिंह तोमर। राजपाल सिंह तोमर जी, ये बताइए चुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं यहाँ के? हमारे यहाँ मुद्दे क्या, हम तो बीजेपी के कट्टरवाद हैं और हमारा क्षेत्र भी बीजेपी का ही है। और मुद्दे क्या है, हमारा तो बीजेपी का ही वोट है। लेकिन मुद्दे मैं पूछ रहा हूँ, मुद्दे क्या है? कुछ नहीं, मुद्दे मुद्दे सर ऐसा है, मुद्दे तो जैसे 370 धारा खत्म करी है मोदी जी ने। जी जी, वो मेन चीज़ है, 370 खत्म करी है। अच्छा, उसके बाद में सर्कल स्टाइल करी है उन्होंने। क्या की? वो जो आतंकवादी द्वारा जो उनका अभियान चल रहा है। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक। अच्छा अच्छा, वो हाँ। और भी सारे काम करने, 70 साल में और जो कुछ ना कर पाए वो काम मोदी जी ने किया। अच्छा, 370 आप कह रहे हैं, 370 हटी है, क्या नाम आपका? मेरा यशवंत सिंह। यशवंत जी, 370 हटने से यहाँ के लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? कम से कम हम ये दिखाई दे रहा है कश्मीर राज हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा। पहले नहीं था? पहले था, लेकिन उसमें काबिज पूरी तरीके से वो नहीं था। नहीं, पहले भी हिंदुस्तान का हिस्सा था तो, लेकिन वो चीज नहीं थी जो आज थी। तो क्या आपको लगता है कि मुद्दों पर यहाँ चुनाव नहीं होता है और यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, 370, ट्रिपल तलाक, इन पर चुनाव हो जाते हैं? नहीं, इस बात के लिए नहीं कह रहे हम, ऐसा कुछ नहीं है बात। आपके लिए महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? महंगाई कोई खास नहीं है। अच्छा, पहले हम 25 रुपये महीना कमाते थे, आज हम 25,000 कमा रहे हैं, तब भी हम उतना ही खर्चा चल रहा है हमारा। अच्छा, महंगाई कुछ नहीं है आज के ज़माने में, मजदूरी बढ़ गई। जैसी महंगाई बढ़ी वैसी मजदूरी भी आ रही है बढ़ के। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। महंगाई तो जब बढ़ रही है, अपने आप ही बढ़ रही है, तो क्या करा जाएगा? सरकार का कोई लेना? सरकार का क्या लेना देना है इसमें? पेट्रोल डीजल महंगा है, 250% एक्साइज ड्यूटी है केंद्र सरकार की। नहीं तो अब ये 32 रुपये के लगभग स्टेट का जो वैट है वो है, उससे महंगाई से कोई लेना देना नहीं आपको? महंगाई से फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा? हाँ, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ा महंगाई? अरे महंगाई कमर तोड़ हो रही है। अब इसमें तो ये है कि महंगाई जब बढ़ रही है, चीज महंगी हो रही है, तो वो महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, सरकार इस पर रोक नहीं लगा सकती? सरकार रोक लगा सकती है, क्यों नहीं लगा सकती? क्यों नहीं लगा रही? मैं ये मुद्दे जानना चाह रहा हूं, ये तो सरकार जाने क्यों नहीं लगा रही है। आप सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे? नहीं, ये हम नहीं बता सकते। नहीं, सरकार से सवाल तो बनता है ना, सरकार से सवाल पूछने का, कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है, ये सरकार जाने। इस वास्ते हमें रोजमर्रा पर सर। राजपाल जी, आपको लगता है कि मुद्दे पीछे रह जाते हैं? मुरादाबाद एक ऐसी बेल्ट है जहां पर हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट होता है,
ये अपने अपने क्षेत्र की बात है, जहाँ हिंदू का जो नहीं, नहीं, मैं जो देख रहा हूँ, मैं मुस्लिम इलाकों में भी घूम रहा हूँ, तो यहाँ पर लोगों की शिकायतें पिछली सरकारों से हैं, इस सरकार से कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ कई इलाकों में घूमते हुए, मैंने यही महसूस किया कि यहाँ पर मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और पूरी राजनीति पर, ज़िले की पूरी राजनीति पर जो लाइन होती है वो हिंदू मुसलमान में बट जाती है। अगले गांव में चलते हैं, वहां का हाल आपको बताएंगे कि वहां पर क्या सिचुएशन है, वहां लोग क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, और क्या उनके लिए मुद्दे हैं या सिर्फ वो इसी लाइन पर वोट करने वाले हैं। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपको हमारे ये अपडेट्स और हमारे ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं।